नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए अपने ही जगह के दौरे पर रहे, गोरखपुर से उनका खास संबंध है और देखिए वहां पर वो खुद ही गोरखनाथ में एक अहम भूमिका में नजर आते रहते हैं। यहाँ सीएम योगी लोगों के दुखों को सुनते हैं, उसका समाधान करते हैं और जब भी उनको मौका मिले वो गोरखपुर जरूर जाते हैं। अब बड़ी खबर सुन लीजिए, सीएम योगी ने गोरखपुर में एक रैली को संबोधन दिया है जहां उन्होंने बड़ी बात कह दी है। प्रशांत किशोर के बाद सीएम योगी ने कहा है कि इस बार भाजपा को अकेले 370 सीटें आएंगी और एनडीए 400 पार। ये बड़ी खबर इस वक्त की। प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी के बाद अब सीएम योगी भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालांकि सीएम योगी और प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से करे, चाहे जितने भी प्रदेश के सीएम हो, लेकिन जब योगी जी का नाम आता है तो वो एकदम बिल्कुल सेकंड नंबर पर रहते हैं। अमित शाह से भी ज्यादा क्रेज सीएम योगी का है। और देखिए यहाँ पर बातचीत करें तो सीएम योगी ने यहाँ पर बड़ी बात कह दी है कि 370 सीटें और एनडीए 400 पार। इसके साथ एक और वीडियो वायरल हो रहा है जहां उन्होंने एक छोटे से नन्हे मुन्ने 3 साल के बच्चे को चॉकलेट दी। तो सीएम योगी जब बच्चे को चॉकलेट देते हैं, गोरखपुर में वो चॉकलेट बांट रहे थे बच्चों को। और देखिए आपको बता दें कि अपने कार्यक्रम के बाद वो चॉकलेट्स बांट रहे थे, एक गोद में बच्चा था 3 साल का। तो वो सीएम योगी की छोटी सी क्लिप है बट वायरल हो रही है क्योंकि उसमें उनका भाव नजर आ रहा है। वो बच्चा पहले मना करता है और बार बार अपना सर घुमाता है, उसके बावजूद सीएम योगी मुस्कुराते हैं और उसके हाथ में चॉकलेट पकड़ाकर चले जाते। उसके बाद वो बच्चा चॉकलेट ले लेता है। तो देखिए एक क्यूट सी क्लिप थी जो वायरल हो रही है और सीएम योगी को आपने अगर देखा होगा तो वो हमेशा ही इस तरीके से करते रहते नजर आते हैं। और सीएम योगी के अंदर एक कहा जा रहा है कि उनके अंदर भाव बहुत है, बहुत इमोशनल भी है सीएम योगी, बहुत जल्द भावुक भी हो जाते हैं और बच्चों के साथ उनका मिलना जुलना ऐसे ही बना रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बच्चों के साथ बहुत सहज नजर आते रहते हैं। अब चलिए गोरखपुर में सीएम योगी ने कांग्रेस पर क्या निशाना साधा। सबसे पहले तो सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा कि कांग्रेस राम विरोधी है, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा फिर से प्रबल सरकार बनाएगी और इनके घमंड सब चूर चूर हो जाएंगे, इनका सपना अधूरा रह जाएगा कि ये इतने लायक हैं कि ये देश की सत्ता में आ पाए। 10 वर्ष में मोदी जी ने अभूतपूर्व काम किया है, जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। 4 जून को 400 पार हो जाएगा। तो देखिए 4 जून 400 पार, दोनों की स्टार्टिंग अंक 4 से होती है। भाजपा के नेता कह रहे हैं 4 जून इक्वल टू 400 पार, ये हमारे लिए शुभ अंक है। 4 जून को रिजल्ट्स भी आएगा और 4 जून को 400 पार भी होगा। देखने वाली खैर देखिए बात होगी, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर भविष्यवाणियां हो रही है, दर्शकों 400 अभी जाने की संभावनाएं किसी भी सट्टा बाजार हो जाए, चाहे विश्लेषक हो जाए, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हो जाए, या फिर जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव के विश्लेषण होते हैं पर एक सीट को लेकर, तो कहीं भी आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में अब प्रचार भी अंतिम छोर की ओर बढ़ रहा है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो उत्साह आपने दिखाया है, शुरुआती दौर में भी वही उत्साह मुझे देश के अंदर भी प्रदेश के अंदर देखने को मिला। हमारे यहाँ शुरुआती दौर में जिन सीटों पर चुनाव हुए थे, अमरोहा के हमारे विधायक हैं श्री राजीव करा, वे भी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वहां के बहुत लोकप्रिय विधायक है और तीसरी बार विधायक है, वे आज यहाँ पर हैं। बहन और भाइयों, उस समय मौसम ठीक था, लेकिन अब तो ऐसे लगता है जैसे भगवान सूर्य देव साक्षात विराजमान होकर के हम पर अपनी कृपा वर्षा कर रहे हैं। ये गर्मी बताती है कि बरसात भी अच्छी होगी और ये गर्मी बताती है कि वोट भी अच्छे पड़ने वाले हैं। बहनों भाइयों, पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है, एक स्वर में पूरा देश बोल रहा है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। 400 पार का नारा सुन करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को तो चक्कर आने लगता है, क्योंकि
में देखा होगा कोई भी बीजेपी को 400 आने की बात नहीं कर रहा है, लेकिन देखिए हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, हम केवल चुनावी नतीजों पर भरोसा करते रहेंगे और अंत तक करेंगे। 3 तारीख का इंतजार करने में कोई बड़ी बात नहीं है, आप सब भी 3 तारीख का इंतजार कीजिए। बता दें आपको, पीएम मोदी के नेतृत्व में जो देश अभूतपूर्व विकास की ओर है उसको सीएम योगी ने याद दिलाया है और कांग्रेस को जमकर घेरा। देखिए सीएम योगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार करते रहते हैं, यही दोनों पार्टियां यहां पर दमखम के साथ लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी को तो उतना हम भाव नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी जो है अभी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा राज्यों में उनकी सरकार नहीं है, लेकिन अपने आप को वो सबसे प्रबल नंबर बताते हैं, लेकिन सीएम योगी कभी भी आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं करते हैं। बातचीत करें तो देखिए क्या कह दिया, मैं बताऊंगी आपको उनकी बातें, उसके बाद आप सुन भी सकते हैं कि सीएम योगी किस तरीके से प्रहार कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा है कि कांग्रेस का चरित्र राम विरोधी है, एंटी राम। जब जनता से पूछते हैं कि आखिर 400 पार क्यों और कैसे, तो यही बात कहती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं बांसुओं में इसके लिए तैयार है ना, जो राम को लाए हैं आप में से कितने लोग हैं जो अयोध्या गए हैं, जो बीच बीच में एकाध दो बचे होंगे, मैं राजेश त्रिपाठी जी से भी और विघ्नेश पासवान से भी कहूंगा कि चुनाव के बाद मौसम थोड़ा ठीक हो जाए, एक बार अयोध्या का इन सबको दर्शन करा करके एक बार फिर से एक नई अयोध्या, ऐसे लगता है जैसे प्रभु राम साक्षात विराजमान होकर के अपनी कृपा आशीर्वाद हम पर बरसा रहे हैं। बहनों भाइयों, अयोध्या में आप गए होंगे, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं, लेकिन रामलला के विराजमान होने के पहले वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, पहला जब वनवास हुआ था भगवान राम को, पहली रात्रि उन्होंने निशान राज की बीत की थी, और जितने विश्रामालय है ना उन सभी विश्रामालयों का नाम हमने निशान राज के नाम पर रखा। भगवान राम जब जंगल में गए थे, माता सीता को ढूंढ रहे थे, तब जंगल में उन्हें सानिध्य प्राप्त हुआ था माता सबरी, और माता सबरी ने उन्हें अपने वेद खिलाए थे, और इसीलिए अयोध्या के भोजनालय जहां श्रद्धालुओं को शुद्ध प्रसाद भोजन के रूप में मिलता है, उस भोजनालय का नामकरण है माता सबरी के नाम पर। देखिए ये है हमारा भारत, और मैं आपसे कहूंगा हम सब के लिए हम सौभाग्यशाली पीढ़ी है, राम लला को 500 वर्षों के बाद विराजमान होते हुए देखा है, हम अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को कह सकते हैं जब अयोध्या में राम लला विराजमान हुए तब हम लोगों ने काम किया था, हमने अपनी आंखों से देखा था, हम इस कार्य के साक्षी रहे हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे कारण ये काम हुआ है। और कांग्रेस ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था, क्योंकि वीर बहादुर सिंह राम भक्त थे। आज भी कांग्रेस कह रही है राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, यह चुनाव राम भक्तों और राम के साथ गद्दारों के बीच में है। दर्शकों, सीएम योगी ने नारा दिया है ये चुनाव राम भक्त और राम के गद्दारों के बीच में है, और देखिए यहां पर पूरी ताकत पूरी लॉबी लगी हुई है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराया जाए इस चुनाव में। और देखिए सीएम योगी ने कह दिया कि किसी का सपना पूरा नहीं होने वाला। देखिए सीएम योगी कटाक्ष करने में नंबर वन नेता है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा भी सारे भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ रहे हैं, गजब का बोलते हैं और उनके भाषण बहुत वायरल होते हैं। तो देखिए हेमंत विश्व शर्मा के पहले ही सीएम योगी का नंबर आता है,
सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह देखिए चाणक्य हैं ही, वो चुनावी रणनीति में बहुत प्रबल दावेदार हैं, और एक बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता केंद्र के नितिन गडकरी, जिनको विपक्ष भी कभी भी गाली नहीं दे पाता है, वो हैं ही इतने महान नेता। और देखिए महान नेता इसलिए कि नितिन गडकरी का काम हमारे कारण काम हुआ है, जिसने भी कमल फूल पर वोट दिया है वो कह सकता है कि हमारे कारण अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं, और इस लोक में तो होगा ही होगा, परलोक में जाएंगे पुरुषों के पास तो कहेंगे वहां भी जाकर के कि देखो आपके संकल्पों की हमने पूर्ति की है, आशीर्वाद दीजिए, प्रभु की कृपा हो रही है। और भाइयों लोक और परलोक को सुधारने वाला कार्य है, और सचमुच 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा, बदलते हुए भारत को देखा, एक ऐसा भारत जिस भारत ने दुनिया के अंदर अपने नई पहचान बनाई है, एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाया है। अगर दुनिया के अंदर संकट आता है तो दुनिया भारत की ओर देखती है, मोदी जी की ओर देखती है, एक सुरक्षित भारत, आप सीमा में घुसपैठ नहीं होती। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सरकार के समय जो विस्फोट होते थे, जगह जगह आतंकी विस्फोट होते थे, आज वो समाप्त। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब ये मैंने नहीं किया, उसे मालूम है अगर समय रहते सफाई नहीं की और कहीं से उसका नाम आ गया तो फिर उसका काम तमाम होना ही होना है। ये नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी। ये कारण है ताकत के कारण, आपकी ताकत मोदी जी के साथ, देश की ताकत मोदी जी के साथ। आज एक कारण है, अभी मैं देख रहा था, अब आपको गोरखपुर जाना होगा, थोड़ी राम से 10 मिनट की गोरखपुर। कुछ लोगों को तो नरेंद्र मोदी से भी प्रबल नजर आता, और ये बात भी सही है, नितिन गडकरी बहुत अच्छे नेता हैं, और जमीनी स्तर पर नितिन गडकरी जैसा नेता हो तो कोई भी देश विकास करे। और कहा जाता है कि किसी भी सरकार में नितिन गडकरी सर्व कर सकते हैं, उनको केवल काम करने से मतलब है, कोई राजनीति से उनको मतलब नहीं है। और देखिए यहां पर बातचीत करें तो फायर ब्रांड नेताओं में इन्हीं नेताओं का नाम आता है, सीएम योगी उसमें सबसे आगे हैं। तो आप साफ सुन सकते हैं, गोरखपुर में जमकर बरसे विपक्ष पर सीएम योगी, और कह दिया इस बार एनडीए 400 पार, बीजेपी अकेली 370 पार, विपक्ष कह रहा है 200 सीटें भी बीजेपी की नहीं आएंगी। दर्शक आप बताइए, क्या आपको भी लगता है कि आसपास का चुनावी माहौल किस पार्टी की ओर बह रहा है? जरूर कमेंट के जरिए अपनी राय साझा कीजिए। शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।